हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर वाचिंग वॉयेजर टेल्स। आज है मेरा डे 3 राइड टू मध्य प्रदेश। मेरा प्लान था सांची का, तो वो मैंने डे 2 में ही कवर कर लिया था, यानी कि आज मैं सांची पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं सांची स्तूपा देखने के लिए। तो यार अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और मैं निकल रहा हूँ मेरे होटल से और जा रहा हूँ सांची स्तूपा के लिए। मेरा सामान जो था कल का लगेज वगैरह जो है वो मैंने होटल में ही रख दिया है, यानी पैकिंग हो चुकी है। बट यहाँ से अभी 1 किलोमीटर पे है सांची, तो खाली बाइक के ऊपर वो सामान सारा लोड करना है। तो मैंने बोला यार पहले देख लेता हूँ, तो लेट तो हो चुका था ऑलरेडी, 6-7 बजे निकलने का प्रोग्राम था। फिर भी यार डे 3 मतलब बोल रहे ना, वही एक पूरा दिन कवर कर लिया तो थोड़ा सा लेट चल जाता है, तो एक्स्ट्रा आराम मिल गया अभी, तो आराम से अभी मतलब आगे मैं निकल सकता हूँ। आज का प्रोग्राम होगा मेरा यार अभी सांची स्तूपा देख के बेड़ाघाट पहुँचना दोपहर से 3-4 से पहले, ताकि बेड़ाघाट भी अच्छे से एक्सप्लोर करके वहाँ पर स्टे करूँगा और फिर आगे निकलूँगा कान्हा नेशनल पार्क के लिए। भाई सांची स्तूपा, सांची स्तूपा, ये है बुकिंग ऑफिस। यार टिकट काउंटर यही है। ये टिकट देना है एक सिंगल, कितना? 40 रुपये। अभी यहाँ से ऊपर सांची स्तूपा, और बाकी क्या है यहाँ पर देखने के जैसा? म्यूजियम अभी खुला रहेगा, तो म्यूजियम के लिए भी सेम टिकट है या? हाँ यही टिकट में म्यूजियम भी हो जाएगा और ऊपर का स्तूपा भी देखने के लिए दोनों। गाड़ी का अलग है, पार्किंग के लिए अलग से कितना? ये लीजिए, ठीक है, आदत है मेरी पर्चियां घुमाने की। चलो पार्किंग। सो यहाँ पर पीछे म्यूजियम गया, ये म्यूजियम है यहाँ पर सांची का। जाए ऊपर, तो ये आ गई पार्किंग, ये रहा सांची स्तूपा। तो यार ये एंट्री नहीं है, नीचे से एंट्री है यहाँ की, यहाँ पर पार्किंग है। पार्किंग दो बार फ्री लिखी हुई थी बट भाई साहब ने 10 रुपये ले लिए, ठीक है कोई नहीं, 10 रुपये से आपका फर्क पड़ गया। ये लीजिए, ये ट्राइपॉड क्यों अलाउड नहीं बता सकते हो आप मुझे? इस ट्राइपॉड में क्या, ये 3 टांग होती है? करेक्ट, 3 टांग वाला रख के आप फोटो नहीं ले सकते, उसके लिए क्या परमिशन होती है? ट्राइपॉड चाहे स्मॉल वाला हो चाहे बिग वाला हो। अच्छा तो ट्राइपॉड अलाउड नहीं है सांची स्तूपा में? हाँ सांची स्तूपा में कोई मालूम नहीं। अच्छा देखो निर्देश क्या लिखा पड़ गया, ओके देखो क्या लिखा, पर्यटक ओके ठीक है। नहीं यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। Okay. इसमें परिसर में स्टैंड लगाकर एवं वीडियो शूटिंग बिना अनुमति ना करें, इसकी परमिशन होती है तभी दिल्ली से। अच्छा तो भाई दिल्ली से परमिशन लेके आओ तभी आपको मिलेगा ट्राइपॉड की। हाँ उसका पैसा, उसका पैसा जमा होता है, पैसा जमा होता है, मतलब पैसे भर के आप लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो। वो आ जाती है प्रोफेशन मतलब बिजनेस का तरीके से। तो अच्छा। हम उसको रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, अब ऐसे करोगे थोड़ा हिलेगा ना, और रख के करोगे स्पष्ट आएगा, ये रहता है वो। चलिए कोई बात नहीं, को दे दो रिटर्न में ले लेना, ये लीजिएगा ट्राइपॉड मेरा, तो लीजिए रख दूँ मैं, आके लेता हूँ फिर आपसे। सो ट्राइपॉड इज नॉट अलाउड। यार यहाँ से मैं एंटर किया था तो ये एक ही मेन एंट्रेंस है, इसे गेट नंबर 1 बोलते हैं। पीछे से पीछे की तरफ आता है ये, और ऊपर खाली ग्राउंड था तो मैं घूम के आ चुका हूँ। दैट्स इट।
क्या है सर इसकी हिस्ट्री? हिस्ट्री में होती है सर समाधि। हाँ, अभी मैं किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा कि स्तूप है खाली, समाधि तो उनकी ये नहीं जहाँ पर बॉर्न हुए थे। या फिर सर जो राजा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हाँ वो धर्म को अपनाया है। हाँ, उसके बाद सांची में भी एक स्तूप बनवाया है। अच्छा, तो ये है महाराज सम्राट अशोक का एक बनाया हुआ स्तूप। एक स्तूप है। अच्छा, तो समाधि नहीं है ये? समाधि नहीं, गौतम बुद्धा के कुछ अवशेष रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ वगैरह थोड़े बहुत जो कलिंग युद्ध के बाद राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके बाद 84,000 स्तूप बनवाए थे। अच्छा, 7 स्तूपों को खोल के 84,000 स्तूप बनवाए। अच्छा, 84,000 इसलिए बनवाए थे कि गौतम बुद्धा की जो टीचिंग देखे बोले जो टीचिंग थी वो 84,000 थी। अच्छा, जगह जगह दे के आए थे। तो राजा सम्राट अशोक ने कि यहाँ पे क्यों बनवाया, उनकी देवी, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी देवी विदुषी, विदिशा की रहने वाली थी। अच्छा, वो धर्म प्रचार को मानती थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। कलिंग युद्ध के बाद राजा सम्राट अशोक भी उनको मानने लगे बौद्ध धर्म को। अच्छा, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि सांची में स्तूप बनाया। अच्छा, यहाँ से धर्म प्रचार। ओके, और अभी यहाँ से स्तूप पूरा ये 3-4 गेट्स है। अच्छा, चार गेट है। ओके, चार गेट है, चारों गेटों में गौतम बुद्ध की जातका कथा है। अच्छा, पूरी लाइफ की कथा है। अच्छा, मतलब ये गेट के ऊपर पूरा जो बना है तो उनकी स्टोरी पूरी ये गेट के ऊपर लिखी गई है, चारों भी गेट के ऊपर उनके कारीगरी में उनकी स्टोरीज डिस्क्राइब की गई है, शॉर्ट में बात की जाएगी। करेक्ट है। अच्छा, ये आप बोलिए आप। हाँ, ये क्या है? ये सर गौतम बुद्ध की क्रिएशन समाधि, मतलब हाँ जी सर, तो ये छोटी छोटी जो है वो समाधि है, ये उनकी जो बहुत बच्चे लोग टोकर देते थे ना यहाँ पे। अच्छा, टीचिंग लेने आते हैं यहाँ पर, ये उनकी डेट हो जाती है, ये जला कर वो डोम बना, ये डोम बना बहुत बच्चे लोगों की। अच्छा, और यहाँ से अभी ऊपर क्या है आप बोल रहे हो? गार्डन पर गार्डन है, राजा सम्राट अशोक की पत्नी का शेर विदिशा दिखा देता है। अच्छा, ठीक है, चलो हम जाते हैं अभी, और वहाँ से ही फिर ऐसे घूम के, अभी यहाँ से मैंने एंट्री की थी इस तरफ से, तो वहाँ से अभी घूम के ऊपर से, वहाँ से कैफेटेरिया वगैरह है वहाँ पर नाश्ता करके फिर पूरा वो जो ये देख के नीचे वहाँ से एग्जिट। चलो, थैंक यू सो मच। तो यार जो भी लोकेशन में मैं जा रहा हूँ, मैं इन डिटेल उसके बारे में नहीं, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी, जैसे कि अभी इनसे बात हुई थी जुनेद जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी गेट्स हैं तो ये उनका एक स्तूप है, और ये गेट्स के ऊपर जितने भी आर्किटेक्चर जो उन्होंने कारीगरी की है इस पर आप देख सकते हो, तो गेट 1 से लेके गेट 4 तक है, जो पीछे वाला था गेट 1 था, तो ऐसे राउंड में ये गेट्स है, तो उसके ऊपर छोटी छोटी कारीगरी उनके लाइफ के बारे में क्या किया है उन्होंने, तो ये कारीगरी थ्रू इन्होंने डिस्क्राइब किया है ऐसे। अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में जानना है कि ये क्या है, तो कम से कम 2 घंटे जाएंगे आपके अगर आप गाइड करते हो तो। जो भी है भाई इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी मुझे चाहिए रहती थी तो वो मुझे मिल चुकी है, जैसे कि ये समाधियाँ है यहाँ पर, उनके जो भिक्षु लोग थे उनके साथ जो रहते थे उनकी। अभी चल रहे हम कैफेटेरिया कुछ खाते हैं, और यहाँ पर ये एक छोटा सा कैफेटेरिया बना है, और यहाँ पर ये विदिशा पॉइंट जो बोल रहे थे वो एक बार देख लेते हैं, पूरी विदिशा सिटी जो है वो यहाँ से दिखती है। हाँ भैया, ये किनकी सिटी है पूरी? ये विदिशा सिटी है, राजा सम्राट अशोक का ससुराल जिसने स्तूप बनवाया। अभी आप जो स्तूप देखते हैं ना, ये राजा सम्राट अशोक ने बनवाया था। अच्छा, आपने जो स्तूप देखा ना, तो मैं देख सकता हूँ राजा सम्राट अशोक का, ना आप देख सकते हैं। जो आप स्तूप देख के आप बड़ा वाला, उसके अंदर एक और स्तूप है ब्रिक का, ईंटों का, जो राजा सम्राट अशोक ने बनवाया था। गौतम बुद्ध का बोल राख रख के उसको कवर कर दिया, फिर राजा सम्राट अशोक के जाने के बाद शुभ राजा उन्होंने पत्थर करवा दिया, उनके जाने के बाद आंध्रा के राजा सत्कर्ण ने 4 गेट बनवा दिए, चारों गेटों पर गौतम बुद्ध की लाइफ को दर्शाया गया है। राजा सम्राट अशोक सांची ने क्यों स्तूप बनवाया, धर्म प्रचार सांची से क्यों करा, क्योंकि इनकी जो ससुराल है वो विदिशा शहर है, जो आप मेरी कैंटिंग से सामने देख सकते हैं।
वो दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर के बिल्डिंग होटल बन रहा है, उसके आगे जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है विदिशा सिटी है, जो भिक्षु लोग भिक्षा विदिशा से मांग के लाते थे, यहाँ बैठ के खाते थे। अब भिक्षु कौन, बड़ा वाला स्तूप गौतम बुद्ध का है, जो छोटे छोटे आपने स्तूपा देखे हैं ना, वो भिक्षु लोग के हैं जो यहाँ बैठ के मौन से लोग ध्यान प्रचार करते थे, बुद्धिज्म को फैलाने का काम करते थे, वो भिक्षा विदिशा से मांग के लाते थे। और ये समाधि नहीं है गौतम बुद्ध, एक तरीके से समाधि समझो, भिक्षु लोगों की समाधि है, पर गौतम बुद्ध की ये समाधि नहीं, उनके कुछ अवशेष रखे गए, अवशेष रखे, उसको बहुत से लोग 100 में से 80% लोग समाधि बोलते हैं। ये सांची स्तूप है जो आप यहाँ का भ्रमण करेंगे, जब आप इसको देखने आएंगे, आप विजिट करने चार आएंगे, गेट से, और ये चारों जो गेट देख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले हम स्तूप के पल्ले चलते हैं। आपको ये जो स्तूप देखा है, इसके अंदर एक और स्तूप है ब्रिक का, ईंटों का, जो राजा समरण अशोक ने बनवाया था। उसके बाद राजा आंध्रा के आए, उन्होंने ये चार गेट बनवाए, राइट। ये चारों गेटों पे गौतम बुद्ध की लाइफ को दर्शाया गया है, है ना। तो हीनयाना में स्तूप की पूजा होती थी, ये गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं थी पहले, पहले स्तूप को सिंबल के रूप में ही देखा गया था भगवान बुद्ध को। स्तूप की पूजा कैसे की जाती थी, गेट के सामने आए आप, टिकट चेक करवा के एक राउंड लगाए, एक पूजा गेट के अंदर गए, दूसरा राउंड लगाया, दूसरी पूजा सीढ़ियों से ऊपर गए, तीसरा राउंड लगा, तीसरी पूजा। अच्छा, हीनयाना में स्तूप की पूजा होती थी। राजा समरणोशन सांची में तीन चीज़ें बनवाई, स्तूप बनवाई पूजा करने के लिए, आपने टिकट चेक करवा के इस गेट पर आए थे नॉर्थ गेट पर, और जो वेस्टर्न गेट पर गए थे नीचे आपने देखा होगा मोनेस्ट्री टाइप की बनी थी, जिसे भूल भुलैया लोग कहते हैं, लोकल लोग भूल भुलैया है, नहीं वो भूल भुलैया नहीं, वो स्कूल था, वो मेडिटेशन था, उसमें ध्यान प्रचार करते थे, वहीं उनका 8x8 का रूम था, वो उसके ऊपर लकड़ी की छत हुआ करते थे। अच्छा। तीसरी चीज़ बनवाई इस वाले गेट का, नहीं साउथ वाले गेट का, जिसमें लंबे लंबे कॉलम के ग्रीक टेम्पल देखा था ना आपने, वहाँ अशोक पिलर गड़ा हुआ है, अशोक पिलर बनवाया था। फीकी है सर, एक फीकी सर इधर पर दो और एक फीकी मध्यम, तो ये अशोक पिलर बनवाया था। अशोक पिलर पर रूल्स रूल थे पाले लैंग्वेज में, जो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे उनको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। अब किसके लिए रूल्स है, भिक्षु मंग, भिक्षु मंग ये नहीं कि 30 साल का आएगा, 7 साल का भी थे, 9 साल के भी थे, 10 साल के भी थे, 12, 15, 20 साल के भी थे। अच्छा, राइट। तो भाई देखो हम आगे गौतम बुद्ध के नगरी में, हम भी पेड़ के नीचे बैठ के खाएंगे पैटीज। आपका नाम क्या है भैया? मेरा फरहान। फरहान, थैंक यू यार मदद करने के लिए। पेड़ भी वैसा ही है, यहाँ पर ही हम शांति से ध्यान कर सकते हैं, है ना। यहाँ के जो भी लोकल्स थे उनके द्वारा मुझे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो ये पूरा घूमने के लिए मुझे लगा 1 घंटा। अगर आप कोई गाइड करते हो तो गाइड लेते हैं 800 से 1000 रुपये लेते हैं, और पूरा इन डिटेल आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको जाएंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे। तो यार सांची से भी मैं निकल रहा हूँ, सांची स्तूप से, तो म्यूज़ियम इसका शायद ही मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझको यार भेड़ाघाट भी आगे पहुंचना है, तो म्यूज़ियम में कर रहा हूँ स्किप। जो मेन था इसका सांची का वो था स्तूप, तो वो मैंने देख लिया है ऑलरेडी, तो अब चलते हैं होटल। लेस फटाफट से जाता हूँ रूम में, सामान वगैरह सब लोड कर देता हूँ गाड़ी पे और निकलते हैं आगे भेड़ाघाट के लिए।